हेलो सिक्स क्लास, आज हम आपकी एसएसटी की वर्कशीट 10 पर चर्चा करेंगे, जिसका हमारा टॉपिक है अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अखेट खाद्य संग्रह का क्या मीनिंग है? देखो, अखेट खाद्य संग्रह का मीनिंग है, अखेट यानी हंटिंग करना, शिकार करना, और खाद्य संग्रह यानी भोजन इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये उस समय की बात यहाँ पर आपको बताई गई है जब इंसान को खाना बनाना नहीं आता था, अनाज उत्पादन करना नहीं आता था, अनाज उगाना नहीं आता था। ठीक है, तो उस समय वो कैसे अपनी जीविका चलाता था? उस समय से लेकर भोजन उत्पादन तक, भोजन उत्पादन यानी जब वो खाना बनाना, अनाज उगाना सीख गया, तब तक के समय की चर्चा आपकी इसमें टॉपिक में की गई है। ठीक है, आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे, उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम अखेटक खाद्य संग्रह के नाम से पुकारते हैं। वो मतलब किस तरीके से 20 लाख पहले जो इंसान रहते थे, वो कैसे अपने भोजन का इंतजाम करते थे, भोजन बनाते थे, कैसे खाना खाते थे, क्या खाते थे, उसके जो वो तरीका यूज़ करते थे, उसके आधार पर हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्रह यानी जो शिकार करके अपना भोजन इकट्ठा करते थे, उनके नाम से पुकारते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठे क्या करते थे और उन्हें खाते थे। ये लोग खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, इस कारण इन्हें घुमंतु भी कहा जाता था। अब आता है कि अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, और ऐसा वो क्यों करते थे? पहला, एक स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहने पर आसपास के पौधे फल और जानवरों को खाने के कारण उनकी कमी हो जाती थी, इसलिए भोजन की तलाश में इन लोगों को दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। ठीक है, अब जब वो एक जगह पर रह रहे हैं तो भाई ये चीज़ें उगने में, अब तुम एक पौधा लगाओ, उगने में काफ़ी टाइम लेगा ना। तो जब लोग एक ही जगह पर रहते थे तो वो उस जगह के पौधे फल फूल जानवर सब खा जाते थे। अब ये चीज़ें इतनी जल्दी तो उग नहीं जाएंगी, है ना, इतनी जल्दी तो विकसित हो नहीं जाएंगी। तो जब एक जगह का सामान खाना ख़त्म हो जाता था तो इन्हें दूसरी जगह पर उसकी तलाश में जाना पड़ता था। दूसरा कारण, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। दूसरा कारण क्या हो सकता है बच्चों, कि जो जानवर हैं वो भी तो अपना खाना वो कैसे खाते हैं, दूसरे जानवरों का शिकार करके। तो ये जो जानवर थे वो अपने शिकार के लिए, अपने चारा ढूंढने के लिए दूसरी जगह जाते थे, तो इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग जो थे वो भी उनके पीछे पीछे चले जाया करते थे। तीसरा, मौसमी फल और पौधों की तलाश में ये लोग उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। फिर जो मौसमी फल और पौधे आते हैं, मौसमी फल वही जैसे संतरा है, हर मौसम में तो मिलेगा नहीं, है ना, इसी तरीके से और जो मौसमी फल हैं, सब्जियां हैं, गोभी क्या हर मौसम में मिल जाएगी? तो हर मौसम के अपने अलग अलग फल और सब्जियां होती हैं, तो मौसमी फल और पौधों की तलाश में भी लोग उपयुक्त मौसम के अनुसार अलग अलग इलाकों में घूमते थे। पानी जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, मौसमी झीलों और नदियों में पानी की कमी हो जाती है, तो पानी की तलाश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते होंगे, पानी के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो जब एक जगह का पानी ख़त्म हो जाता था या बरसात ख़त्म हो जाने के कारण जब एक जगह की झील और नदियाँ सूख जाती थी, तो पानी की तलाश में ये लोग दूसरी जगह पर जाते थे। इस तरह हम देखते हैं कि खाना और पानी जैसे जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ठीक है, हमने चार रीजंस देखे, एक तो अपने जब एक जगह का फल पौधे ख़त्म हो जाते थे तो दूसरी जगह जाते थे, जब जानवर अपने शिकार के लिए दूसरी जगह जाते हैं तो उनका शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे पीछे जाते हैं, मौसमी फल और पौधों की तलाश में, और चौथा, पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पहला ही क्वेश्चन आपका आता है कि अखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते हैं? तो हमने इसका रीज़न यहाँ पर चारों पढ़े हैं, इसके चार रीज़न, ये चारों इसके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, अखेटक खाद्य संग्राहक के लोगों को इस नाम से क्यों पुकारते हैं? ये मैंने आपको शुरू में ही बताया, क्योंकि ये लोग अपने फूल पत्तियाँ इकट्ठा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे सामान इकट्ठा करने के लिए, इसलिए इन्हें हम अखेटक खाद्य संग्राहक कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है छठी क्लास के बच्चों की आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी और आप अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। बेस्ट ऑफ लक।